नाम जो आ रहा है पेपर लीक मामले में, क्या लग रहा है आपको? सब झूठा है, फंसा रहा है सब। वो आदमी नहीं ओहन ओहन रथनिक रे, कम से कम एको दुईयो गो को भिराई रथनिक रे कनु। आ भाई हुनका से बेसी ओहि समय हम पढ़ल, भाई बभूसी चरवे छथिन, भतीजा ढल्ला फोड़े छै, हमरा जे किसान बेच रहे थे। हाँ, कहाँ गए थे? और अपने बैच के 1984 बैच के टॉपर थे, 900 में 699 मार्क्स आए थे इनको। दूसरा कि बगैर इन्फॉर्मेशन के जो है सो आए बाएं आए बाएं जो है से मीडिया चला रही है, जबकि जांच का विषय है। सारे स्टूडेंट के साथ जो अन्याय हुआ है, एनटीए इस पर अब तक चुप क्यों है? देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा नीट के प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर पूरे देश भर में खलबली मची है। पेपर मामले को लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार में ईओयू इस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में अब तक दर्जन भर से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। पेपर लीक मामले का तार समस्तीपुर से जुड़ा है। इस पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड सिकंदर प्रसाद यादवेंदु बताया जा रहा है। बिथान प्रखंड के पुजहो गांव के रहने वाले सिकंदर ने बिथान के पीएसपी हाई स्कूल से 1984 में मैट्रिक की परीक्षा पास किया। वो इस परीक्षा में इलाके के टॉपर छात्र रहे। आगे की पढ़ाई के लिए वो रांची चले गए। वहां डिप्लोमा करने के बाद वर्ष 2011-12 के करीब नौकरी में आए। वर्तमान में वो पटना में जेई के पद पर कार्यरत है। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में नाम सामने आने के बाद समस्तीपुर टाउन की टीम सिकंदर के पैतृक गाँव समस्तीपुर जिले के बिथान थाना क्षेत्र अंतर्गत पुसहो पहुंची, जहां उनके बड़े भाई का परिवार रहता है। उनके परिवार और आसपास के लोगों का कहना है, पिछले 4 वर्षों से वो अपने गांव नहीं आए हैं। मीडिया के माध्यम से ही उन लोगों को जानकारी मिल रही है। परिवार के लोगों का कहना है, उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। बीते कुछ वर्षों के अंतराल पर वो घर आता रहता था। गाँव के घर की स्थिति कुछ ठीक नहीं है, लेकिन सिकंदर अकूत संपत्ति का मालिक बन गया है। पटना रांची समेत कई जगहों पर घर व संपत्ति बना लिया है। गांव के घर पर सिकंदर के भैया भाभी व भतीजा रहते हैं। माता पिता वर्षों पहले गुजर गए हैं। आपको बता दें, सिकंदर यादवेंदु को पुलिस ने 5 मई को नीट परीक्षा के दिन राजवंशी नगर इलाके से नीट परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड के साथ गिरफ्तार किया था। वो पहले भी एक घोटाले के मामले में जेल जा चुका है। पहले रांची में ठेकेदारी का काम करता था। साल 2012 में उसने बिहार एसएससी परीक्षा पास की और जूनियर इंजीनियर बन गया। सिकंदर 3 करोड़ के एलईडी घोटाले का भी आरोपी है। इसी मामले में वो जेल भी जा चुका है। सिकंदर यादवेंदु फिलहाल दानापुर नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात है। नगर परिषद अध्यक्ष ने सिकंदर के कारनामे को देखते हुए सरकार को उसके खिलाफ कड़ा पत्र लिखा था। उसके बाद सिकंदर को दानापुर नगर परिषद से हटा दिया गया, लेकिन 10 दिनों के भीतर ही उसकी दोबारा पोस्टिंग वही कर दी गई। घोटाले के आरोप में जेल जा चुका सिकंदर यादवेंदु का पावर कितना है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि वो एक साथ 4 जगहों पर तैनात था। उसे दानापुर नगर परिषद के साथ साथ मसौड़ी नगर पंचायत, बुडको और पटना महानगर परियोजना के कनीय अभियंता का प्रभार दिया गया था। सिकंदर यादवेंदु ने अपने बेटे और बेटी दोनों का दाखिला मेडिकल कॉलेज में कराया था। दोनों एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। सिकंदर का दामाद एमबीबीएस के बाद पीजी कर रहा है। चर्चा यह है कि उसने बिहार के कई वरीय अधिकारियों के बेटे बेटी का एडमिशन भी मेडिकल कॉलेज में करवाया था। जी का नाम नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में आ रहा है, क्या लग रहा है आपको? पापा जी 2 भाई थे, सिकंदर जी चचा हुए। पापा जी भी इंटर बायोलॉजी किए हुए हैं, उसके बाद चचा भी रांची पढ़े हुए हैं, उसके बाद चाचा जी के पटना में इंजीनियर बन गए हो। यहाँ मीडिया लोग चला रहे हैं तो खेती वेती वाला बात रोहन रहता। तो हम 3 भाई हैं, तीनों भाई पढ़े लिखे हैं, पापा भी पढ़े लिखे हैं। पापा धरा देते, हम तीनों भाई तो धरा देते। हम लोग भी धूप में धला थोड़ी पड़ते, इंटर किए हुए हैं बायोलॉजी। आपकी पढ़ाई लिखाई? हम लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं। अच्छा, तो अभी जो उनका नाम आ रहा है पेपर लीक मामले में, वो गलत हमारा नहीं बुझा रहा है, वो सही है। यहाँ रहते हैं वो? यहाँ 3-4 साल में आते थे। अच्छा, पहले 4 साल पहले आए थे। पढ़ाई लिखाई उनकी कहाँ हुई है? यहीं बिथान, बगल में बिथान है। हाँ। वहीं बिथान हाई स्कूल पर है, इंटर किए, उसके बाद दसवा यहाँ किए, उसके बाद रांची चले गए। इंटर रांची किए? इंटर नहीं किए, वो अंदाज वही इंटर, और उसके बाद पॉलिटेक्निक वहीं किए। अच्छा, उसके बाद बाहर ही रहने लगे। हाँ, उसके बाद। क्या नाम हुआ आपका?
बसंत कुमार मुरारी। पेपर लीक मामले में क्या लग रहा है आपको? सब झूठा है, फंसा रहा है सब। वो आदमी नहीं ओहन ओहन था तो हमारे बेटा ढल्ला फरते धूप में, सब माय पुत ढल्ला जो फोर रहा की बात दिक्कत। ओहन उ रथनिक रे, कम से कम एको दुईयो गो के भिराय दथनिक रे कानून। आ भाई हुनका से बेसी ओहि समय में पढ़ल, भाई भैंसी चरबै छथिन, भतीजा ढल्ला फोड़े छै। हमरा जे किसान भैंस चरत है। हाँ, तो गाँव वाँव आना जाना होता था? नहीं, चार चार साल पाँच पाँच साल परिवार उ परिवार साथ है। अच्छा, कोई नया की करे छे, नहीं करे छे, की बनेने छे, नहीं बनेने छे, भाड़ा छे की छे, नहीं छे, कोई पता। घर उर बनाए थे वहाँ? अब हम वो नहीं जानते, हमरा बोलते तब नहीं जानते। हाँ। कोई परिवार नहीं बोले छे। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? सुशीला। सिकंदर प्रसाद यादवेंद्र जी का नाम अभी जो पेपर लीक मामले में आ रहा है, वो मतलब गांव में मतलब किस तरह के व्यक्ति थे और कैसे इनका तार अब इस पेपर लीक मामले से जुड़ रहा है? देखिए, आदमी तो जो है सो बहुत बढ़िया थे, फ्रेंडली थे और जो है सो कभी कभार जो है सो गांव आते थे तो अच्छा व्यवहार था इनका, लोगों से जो है सो मिलना जुलना अच्छा ही था, व्यवहारिक थे। पढ़ाई लिखाई उनकी कहाँ? पढ़ाई लिखाई जो है सो मैट्रिक किए थे यहीं PSP हाई स्कूल बिथान से, जो कि हमारा ब्लॉक भी पड़ता है, वहीं से किए थे। और अपने बैच के 1984 बैच के टॉपर थे, 900 में 699 मार्क्स आया था इनको। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद फिर रांची चले गए इंटर करने के लिए, इंटर भी किए और उसके बाद डिप्लोमा में एडमिशन हो गया, वहीं रांची से डिप्लोमा किए। डिप्लोमा करने के बाद इसी बीच में उनकी शादी हो गई, फिर शादी होने के बाद जो है वो लौट के जो है आए नहीं यहाँ। शादी कहाँ हुई थी? ओ, परिदा एक गाँव है, यही हसन। हाँ, तो अभी कहाँ कार्यरत है वो? सुनने में आया कि जो है अभी फिलहाल पटना में थी, ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन हम गए नहीं कभी। इस पेपर लीक मामले में जो उनका नाम आ रहा है तो क्या लग रहा है? देखिए, इसमें जो है ना कई चीज़ जो है हमको नज़र आ रहा है। एक तो जो है देख रहे हैं कि एक जाति विशेष को जो है टारगेट किया जा रहा है मीडिया में, इसमें ये जो है ध्रुव सत्य है। दूसरा कि बगैर इन्फॉर्मेशन के जो है सो आए बाएं आए बाएं जो है मीडिया चला रही है, जबकि जाँच का विषय है, क्या है नहीं है, सच्चाई क्या है, उस पर तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत सारे चैनल वाले जो है सो बहुत गलत चीज भी दिखा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? विवेकानंद यादव। कि सिकंदर प्रसाद यादवेंद्र को आप लोग कैसे जानते हैं बताइए? मेरा ससुर का छोटा भाई है, चचेरा भाई। अच्छा, चचा का लड़का हुआ। हाँ, ससुर लगते हैं। हाँ, तो क्या कुछ अभी सुनने को मिल रहा है? टीवी मोबाइल हम देखे है ना सर। हाँ, कुछ पता चला है कि जो ये क्वेश्चन वाला बात है। हाँ, लीक करवाए हैं, लेकिन हम लोग को तो ऐसा नहीं लगता है कि ये सब मामला में चचा जी होंगे। इसी गांव में रहते थे वो? नहीं, हम लोग तो नहीं, यहाँ नहीं देखे हम लोग रहते। हाँ, नहीं देखे। लेकिन घर ही है? हाँ, घर ही है। अच्छा, कब गए थे यहाँ से कुछ पता? हमको वो भी पता नहीं है। कहाँ रहते थे? हम शादी हमको अब चचा कब शादी हुआ नहीं हुआ वो भी अच्छा, हमको पता नहीं। कहाँ रहते थे जानकारी है? हाँ, रांची में रहते। रांची, नौकरी कहाँ करते थे? अब रांची से नौकरी की, अब कहाँ है नहीं है वो हमको पता नहीं। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता कुमार।